बस आज हम आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च बताने वाले हैं, उसके प्रोग्राम कैसे लिखना चाहिए जिससे कि आप अपना काम प्रॉपर ढंग से सी में कर पाए। लीनियर सर्च जो होता है वो स्लो होता है, सिक्वेंशियल होता है, और बाइनरी सर्च फास्ट होता है और ट्री कॉन्सेप्ट पे काम करता है, और चॉप करके हम एरे को हाफ पे डिवाइड करके शॉर्ट करते जाते हैं तो सर्च जो होता है फास्ट होता है। चलिए पहले लीनियर सर्च करते हैं। लीनियर सर्च में पहले दो हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट साइज में फाइल लेंगे, int j i और num डिफाइन करेंगे जिसमें num हमारी एरे है, और clrscr करेंगे क्लियर स्क्रीन करके, फिर एंटर फाइल नंबर करेंगे प्रिंट एफ के थ्रू, फिर उस नंबर को 1 by 1 प्रिंट करा देंगे जिससे स्क्रीन पे वो दिखता रहे तो हमें सर्च करने में कौन सा नंबर लेना है इजी हो जाए। फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे नंबर को जिसको हमें सर्च कराना है, और उसके बाद हम एरे में 1 by 1 नंबर को सर्च करेंगे। तो फॉर i=0 i<size> i++ लेंगे, और j जो हमने सर्च करने के लिए नंबर डाला है उसको एरे से कंपेयर करेंगे। एरे से कंपेयर करने पर जिस पोजीशन पे वो वैल्यू मिल जाएगी उस पोजीशन पे हम वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। अब हमारे एरे में हो सकता है कि एक ही वैल्यू दो बार आई हो, तो इसलिए पहले हम सिंगल सर्च करेंगे फिर मल्टीपल सर्च करेंगे। सिंगल सर्च करने के लिए हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा और मल्टीपल सर्च के लिए हमें ब्रेक हटा देना पड़ेगा, और i+1 हमारा पोजीशन बता रहा है कि किस पोजीशन पे वो वैल्यू हमें मिली। अब गेट सी एच किया स्क्रीन को हॉल करने के लिए, रिटर्न किया मेन को स्टॉप करने के लिए जैसा कि हम हमेशा बताते हैं। इसको रन करें और देखिए कि प्रोग्राम क्या कर रहा है। हमने प्रोग्राम में एलिमेंट डाला 2, 3, 4, 5, 6, हमने दिया सर्च करिए 4, तो वो बता देगा कि थर्ड पोजीशन पे 4 प्रेजेंट है। देखिए एलिमेंट नंबर 3 जो है वो 4 है। अब मान लीजिए हमने फिर से इसको रन किया अल्टर आर, अब हमने एक जैसी दो वैल्यू दी, तो वो क्या करेगा, अब हमने सर्च कराया 2, तो एक ही 2 दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जैसे ही वो सर्च करता है वो ब्रेक कर देता है। अब हमें मल्टीपल सर्च कराना है तो इस ब्रेक को हमको हटा देना पड़ेगा, तो इस ब्रेक को हटाने के लिए हमने इसमें रिमार्क लगा दिया, और अब इसको रन करेंगे। अब हम वैल्यू फिर से डालते हैं और हमने सर्च किया 3 क्योंकि 3 मल्टीपल है। अब देखिए ये 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे 3 को दे देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। अगर हमारी सारी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 5 वैल्यू को वो दे देगा। इस तरह से हम मल्टीपल सर्च कर सकते हैं। नाउ लर्न हाउ टू सर्च द वैल्यू यूजिंग लीनियर सर्च फंक्शन। फंक्शन यूज करके हम कैसे सर्च कर सकते हैं, उसके लिए हमें फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन डिफाइन करने के लिए पहले हेडर फाइल लगाई, उसके बाद लीनियर सर्च लॉन्ग एरे लिया, लॉन्ग हमने फिर लॉन्ग लॉन्ग दो बार लिया। लॉन्ग लॉन्ग दो बार क्यों लिया है, ये इससे समझिए कि n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हो जाएगा और सर्च कौन सा करना है ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आए, लॉन्ग एरे लिया, 100 लिया, इसको 10 भी कर सकते हैं हम लोग, इतनी जरूरत नहीं है, लॉन्ग लिया इसलिए 100 ले रहे हैं। सर्च किस एलिमेंट को करना लिया, C इज फॉर काउंटर, N इज फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट एंड P इज फॉर पोजीशन। अब यहाँ पे clrscr किया, इनपुट नंबर क्या कि कितने नंबर इनपुट करने हैं, इनपुट नंबर n, और उसके बाद यहाँ पर काउंटर चलाया, एरे को प्रिंट करा ली, स्कैन कर लिया 1 by 1 नंबर को, तो उसके बाद इनपुट नंबर टू सर्च, अब उस एरे में कौन सा नंबर सर्च करना वो डाल दिया। फिर उसके बाद सब कुछ वैसे ही होगा जैसे लीनियर सर्च में करते हैं, सिर्फ सिवाय इसके कि ये फंक्शन से हो रहा है। अब यहाँ पे लीनियर सर्च फंक्शन को कॉल किया
और उसमें एरे पास की और नंबर ऑफ एलिमेंट पास की और जिस नंबर को सर्च करना है वो पास किया। जब पास करेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ पे लॉन्ग एरे ए में एरे की वैल्यू आ जाएगी, एन में नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे और लॉन्ग में सर्च में सर्च एलिमेंट फाइंड करना है जो वो आ जाएगा। लॉन्ग सी किया हम लोग ने, लॉन्ग सी करने से क्या होगा, काउंटर बन जाएगा। काउंटर को वन बाय वन यूज करेंगे और फॉर लूप में, और कहाँ तक करेंगे, एन नंबर तक करेंगे और एरे को कंपेयर करेंगे उस नंबर से जिसको हमें फाइंड करना है। जब जैसे ही वो नंबर मिलेगा रिटर्न हो जाएगा, अगर नंबर नहीं मिलता तो माइनस वन हो जाएगा। अब जब रिटर्न होगा सी में अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पे आएगा वो स्कैन एल डी सर्च, यहाँ पे आएगा प्रिंट ऑन पोजीशन। तो पी में जो पोजीशन आई है वो प्रिंट हो जाएगी, और अगर पी ग्रेटर देन जीरो है दैट मीन्स कि नंबर है इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, तो उस नंबर को प्रिंट कर दे, और अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं है, माइनस वन आ रहा है, तो इसके मतलब नंबर नहीं है, तो वो प्रिंट कर दे नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे और रिटर्न कर जाए। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले देंगे इनपुट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, हमने 5 दिया। अब इनपुट नंबर कराया हमने 10, 20, 30, 40, 50, सर्च हमने किया 30। तो ये देखिए पोजीशन 2 पे 30 इज प्रेजेंट इन द लिस्ट दे देगा। तो 30 पोजीशन कहाँ है, 0, 1, 2, टू पोजीशन पे 30 को दे देगा। तो इस तरह से फंक्शन के थ्रू भी हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसको फिर से रन करते हैं और वैल्यू फिर से देते हैं कि 5 वैल्यू दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू दी। अब हमने इनपुट कहा कि 6 करिए, तो जब वैल्यू उसमें है ही नहीं है तो दे देगा 6 इज इन प्रेजेंट इन द एरे। उसको पोजीशन ऑन पोजीशन 1 6 इज इन प्रेजेंट ऑन द 0, एरे में वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू। अब हम लेते हैं बाइनरी सर्च, ओपन किया, बाइनरी सर्च किया। बाइनरी सर्च में हम हमने जैसा आपको बताया कि एरे को चॉप करते जाते हैं, और चॉप करके हाफ मिड पोजीशन पर से, और हाफ अगर लेफ्ट साइड के एरे में वैल्यू नहीं है तो उसको मिड से चॉप करके हटा देते हैं और राइट साइड के एरे में ढूंढते हैं। और अगर राइट साइड के एरे नहीं है, लेफ्ट की एरे में वैल्यू है, तो राइट साइड की वैल्यू मिड से वैल्यू 1 माइनस कर देते हैं, तो ऊपर अपर एरे डिस्प्ले होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। इंक्लूड किया हमने studio.h, phonio.h, इंटरेटिव बाइनरी सर्च फंक्शन, इट्स रिटर्न द लोकेशन ऑफ एक्स इन अ गिवन एरे ए आर आर लेफ्ट एंड राइट इफ प्रेजेंट अदरवाइज माइनस वन। जैसे कि लीनियर में माइनस वन आ रहा था अगर नहीं है वैल्यू, उसी तरह बाइनरी सर्च में भी आएगा। बाइनरी सर्च में हमने पहले प्रोटोटाइप फंक्शन डिफाइन किया जिसमें हमने पहले एरे पास किया, फिर लेफ्ट लिमिट पास किया, फिर राइट लिमिट पास किया, और फिर इंट एक्स लिया है जिस पोजीशन को हमें सर्च करना है। अब आए वाइल लूप में, वाइल तब तक काम करेगा जब तक कि राइट लिमिट जो है वो लेफ्ट लिमिट जो है राइट लिमिट से कम है या बराबर है। अब आए इंट एम इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस एल बाई टू। अब हमने मिड पोजीशन निकालने के लिए एल लिया, एल हमारा 0 है, आर माइनस एल लिया, तो आर हमारा 5 था लेकिन हम माइनस 1 लेंगे क्योंकि ऑप्शन बेस 0 से एरे की वैल्यू पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, तो 4 हो जाएगा, तो 0 प्लस 4 बाई 2 मतलब बीच में 2 आएगा अगर हम 5 एलिमेंट्स लेते हैं। अब चलिए पहले हम देखते हैं कि मेन में से कैसे ये बाइनरी सर्च फंक्शन में आ रहा है, और वहाँ पे चेक करेंगे अगर मिड वैल्यू पे है तो प्रिंट कर दे, अगर मिड वैल्यू पे नहीं है और लोअर लिमिट में है, एक्स बड़ा है एरे एम से, एक्स एरे एम लेस देन एक्स है, तो
एल इज इक्वल्स टू एम प्लस वन हो जाएगा, और अगर एक्स ग्रेटर इग्नोर लेफ्ट था, अगर मिड से ज़्यादा है एक्स की वैल्यू तो लेफ्ट हाफ जो है इग्नोर हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू अगर स्मॉलर है तो राइट हाफ इग्नोर हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया था आपको। तो एल की वैल्यू जो होगी एम प्लस वन हो जाएगी, नहीं तो एम माइनस वन होगी। तो इस तरह से हम चॉप करते जाएंगे एरे को, अभी दिखाते हैं इसको, अदरवाइज अगर नंबर नहीं मिलेगा तो रिटर्न माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ आए, हमने तीन वैल्यू चार वैल्यू डिफाइन की इंटीजर टाइप में, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं थी कि आपको डिस्प्ले करके दिखा पाएँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे इंट इंटीजर आई लिया और एरे में वैल्यू को डिफाइन कर दिया, एरे की साइज़ ली, साइज़ ऑफ एरे क्या हो जाएगी, क्योंकि पाँच इंटीजर है तो हर इंटीजर की दो बाइट लेता है, तो एरे की जो साइज़ हो जाएगी वो 10 हो जाएगी, और एरे की एक एलिमेंट की साइज 2 होगी, तो 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल एक्स और रिजल्ट लिया, एक्स जो है वैल्यू जिसको हमें ढूंढना है, रिजल्ट जो वैल्यू रिटर्न होगी, प्रिंट एफ नंबर इन एरे लेगा, और एन से अब हम एरे को डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन पर, जिससे कि वहाँ जाके ये ना भूल जाए कि क्या नंबर लिया था, और डिस्प्ले रहेगा तो आप देख पाइएगा, और साइज ऑफ वैल्यू को भी हमने प्रिंट करा दिया, जिससे आपको समझ में आ जाए कि साइज ऑफ से क्या होता है और उससे कितनी वैल्यू आती है। अब हमने एंटर कराया उस नंबर को जिसको हमें सर्च करना है, फिर फ्लैश एफ फ्लैश एस टी डी लगाया कि इनपुट में अगर कुछ हैपजर्ट वैल्यू आ गई हो तो वो बफर में से हट जाए, फिर रिजल्ट लगाया, रिजल्ट में आएगा बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे एरे पास की, लोअर लिमिट पास की और अपर लिमिट पास की, और वो नंबर पास किया जो हमारे पास आया है। फिर रिजल्ट जो आएगा अगर माइनस वन आता है तो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट कर देंगे, टर्नरी ऑपरेटर यहाँ लगा दिया, और अगर आता है तो उसको प्रिंट करा देंगे। तो एरे में जब जाएगा तो हमने बता ही दिया आपको कैसे वो काम करेगा, फंक्शन में जब जाएगा यहाँ पर लोअर लिमिट से जब राइट लिमिट बड़ी रहेगी तब तक वो वाइल लूप चलाएगा, और मिड पोजीशन लोअर प्लस राइट माइनस लोअर लिमिट अपॉन टू लेगा, तो उससे 5-0 आ करके यहाँ पर वैल्यू जो है 2-4 आ जाएगी, 4-0 लेकर 2 आ जाएगी, क्योंकि हमने एक माइनस करके भेजा यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रिंट कर देगा वैल्यू, अब इसको रन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये काम कर रहा है। तो इसको रन करते हैं, देखिए एरे की वैल्यू 2, 3, 4, 10, 14 डिस्प्ले कर दिया उसने, साइज 10 दे दी, एक एलिमेंट की साइज 2 दे दी, एन की वैल्यू 5 दे दिया। अब हमने कहा नंबर सर्च करो 4, तो 4 मिड पोजिशन पे डायरेक्ट वो प्रिंट कर देगा कि मिड पोजिशन 2 पे 4 है। अब इसी को हम फिर से रन करते हैं, और अब लेफ्ट हाफ में वैल्यू को ढूंढेंगे। लेफ्ट हाफ में मान लीजिए हमने नंबर दिया 3, तो 3 के लिए वो लेफ्ट का पहले मिड पोजीशन 2, 4 निकालेगा, 4 नहीं है और उसकी वैल्यू कम है, तो 4-2-1 हो जाएगा, तो R की लिमिट देखिए 1 हो गई, पहले R की लिमिट 4 थी, अब मिड पोजीशन जो है आपकी 0 आ गई, तो 1/2 होगा तो 0 आ जाएगी, तो मिड पोजीशन 2 आ जाएगी। फिर आया, अब मिड पोजीशन 2 पे वैल्यू नहीं है तो मिड प्लस 1 हो जाएगा, और बड़ी वैल्यू है तो मिड प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 और R इक्वल्स टू 1 ले लेगा। अब 1 पोजीशन पे क्या है, 3 आपकी, तो वो प्रिंट कर देगा एलिमेंट 1 पोजीशन पे है। तो आपको समझ में आया कि कैसे एरर डिवाइड हो रही है, पहले 2, 3 अलग हुआ, फिर 2 नहीं था 3 अलग हुआ, तो लेफ्ट और राइट करके वो वैल्यू बाइफरकेट चॉप करता जा रहा है। अब हम राइट लिमिट में वैल्यू को ढूंढेंगे, रन करा हमने लिया 10 को सर्च करो, तो 10 को सर्च करने के लिए वो देखे मिड पोजीशन 2 पे 4 नहीं है और वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी है, तो मिड पोजीशन 2+1 कर देगा, तो एल 3 हो जाएगा, आर 4 हो जाएगा। मिड पोजीशन 3 पर एलिमेंट 10 प्रेजेंट है तो वो 3 दे देगा। तो इस तरह से हमारी एरे डिवाइड होती जाती है और बाइनरी सर्च में वैल्यू आती जाती है। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
रतन अग्रवाल, आई जी इंफॉर्मर, फॉलो माय सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन. इफ एनी क्वेश्चन आस्क इन अ कमेंट, डोंट हेजिटेट टू आस्क इट. और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी क्वेश्चन आपका हो वो ज़रूर पूछिए, कमेंट करिए, लाइक करिए. थैंक यू.